अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी टाइम बाद अब दोबारा हाजिर है आपकी खिदमत में, और आज मैं आया हूँ मंदी हाउस। आज ओपनिंग है मंदी हाउस की, और ये सुपर हाईवे पे। तो हमारे साथ हमारे इदार भाई भी मौजूद हैं, बहुत दिन बाद, लास्ट टाइम ये कुंड मंदिर के ब्लॉग में थे। तो इदार भाई एक्साइटेड हैं आप? जी जी बिल्कुल भाई, यहाँ पे इंशाल्लाह अभी आए हम लोग, यहाँ पे विजिट करें इंशाल्लाह, आगे आपको बताते जाएंगे कि कैसा है। क्या खाने का मूड है, कौन सी मंदी खानी है, या चिकन मंदी या बीफ मंदी, डिसाइड करेंगे अभी? जी जी अभी डिसाइड करेंगे दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह फिर आगे आप लोगों को बताएंगे कि क्या सीन है। जी जी ठीक है, चलो भाई चलो। तो हम फाइनली इंटर हो चुके हैं मंदी हाउस के अंदर, और हमारे साथ हमारे अदा भाई बैठे हुए हैं। तो भाई क्या हाल है भाई? भाई के आसान है, आप सुनाए भाई, खैरियत? ठीक है। तो जो मंदी हाउस है वो न्यूली ओपन हुआ है सुपर हाईवे पे, तो हमने सोचा कि यार करीब ही है, जाके ट्राई किया जाए। और इससे पहले हमने रिदान मंदी हाउस का भी ट्राई की थी, मंदी वगैरह, तो लेट्स सी यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आपको भी बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई ऑर्डर अभी डिसाइड ही हो रहा है, आधे घंटे से पता ही नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करेंगे। ये हमारे नए मेंबर हैं हमारे ग्रुप के, और ये शाहजान नाम इनका, और खास तौर पे मंदी हाउस में मंदी ट्राई करने के लिए। भाइयों ऑर्डर डिसाइड हो गया आपका? चावल मंगवा लिए। परेशान लग रहे हो तुम बहुत हैं, पैसे लाए हो ना जेब में रख के? तो भाई ये हमारी मंदी आ गई है, और मंदी ट्राई कर रहे हैं, सब में बंटवारा हो गया है, तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे भाई कैसा टेस्ट है। तो चलो भाई लेट्स सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप ये मंदी देखें, आप जूसी एकदम, और देखते ही इंसान के ना मुँह में पानी आ गया। तो लेट्स सी कैसा टेस्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस। तो अब इसको बोटी के साथ ट्राई करते हैं, बोटी कैसी है? तो हम बोटी के साथ ट्राई करते हैं। डिलीशियस। कैसा है बिलाल? मैं जान ना बिलाल बोल रहे हैं कि भाई अभी मैं खाने में मसरूम, मुझे तंग नहीं करो, अपने ब्लॉग वगैरह बाद में बना देना। तो लेकिन भाई बहुत मज़ेदार है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि जो एक मदबी है, कितने की बताइए रिजवान, एक मदबी 5,600 की है, जो आप पूरी थाल देख रहे हैं 150 की नहीं, 5,000 रुपये, तो 5,600 रुपये की एक मंदी की थाली है, जो जिसको जो ये चार बंदों को आराम से इजीली सर्व कर लेगी, चार बंदे आराम से खा सकते हैं, और इसमें चार चार लेग पीस होते हैं बड़े बड़े चिकन के, क्योंकि चिकन मत भी है। तो खैर बात में फिर दोबारा मिलते हैं, अभी मैं खा लूँ ज़रा खाना, आपसे बातें बहुत हुई। तो भाई चावल जो हैं रिफ़िल हुए हैं, तो ये फैसिलिटी भी है यहाँ पे कि आप रिफ़िल करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिफ़िल नहीं करवा सकते। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन टेस्ट में बहुत लाजवाब है मंदी, ऐसी मंदी हाउस नाम नहीं है इसका, कोई ना कोई वजह होती है। क्यों बिलाल भाई? एग्जैक्टली फुल बोटियाँ हमने निचोड़ दी हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये, साहब बोल देंगे 10 out of 10, तो मेरी तरफ से भी 10 out of 10 ही है, और मोस्ट रिकमेंडेड है। हाँ ना बिल्कुल, सामने वाले भाई बिल्कुल इख्तलाफ रखते हैं इस बात से कि हमें मंदी अच्छी लगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे तो उसकी अच्छी लगी थी रिदान मंदी, लेकिन मुझे तो है सच बताऊं रिदान मंदी भी अच्छी थी, लेकिन ये भी आउट क्लास है नो डाउट। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है और यहाँ की जो सर्विस है नो डाउट बहुत अच्छी है, और इतने रश में भी उन्होंने टाइम पे लाके उन्हें दे दिया जो हमने ऑर्डर दिया, और साथ में जो हम सारे दोस्त हैं, सारे स्कूलमेट्स हैं ये, आज तक हम स्कूल में 10 नंबर से 10 नहीं मिला इसको दे रहे हैं, लेकिन 10 out of 10। और क्या बोलना चाहोगे यार? मैं चाहता हूं कि लोग आए यहां पे विजिट करें, रिकमेंडेड है बिल्कुल।
जबरदस्ती वन तो मतलब रिफिल की कोई मतलब ऐसे कोई तकल्लुफ नहीं करते लोग रिफिल करवाने में कि आप जब चाय करवा लें। लेकिन यार मैं ये बोलूँगा कि जो ये एक थाल है ये 100% के लिए नफ है, यहाँ पे तो कह रहे हैं 5% के लिए नफ है लेकिन ये 4% के लिए नफ है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? तारिक नाम है मेरा। अच्छा जरा कैटेगरीज के बारे में बता देंगे, मंदी किस किस टाइप की मंदी यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या प्राइस है? हमारे पास मंदी है, मटन भी है और चिकन में भी है। चिकन में भी मुख्तलिफ है, स्पाइसी वाली 1500 की है, जो नॉन स्पाइसी वो 1400 की है। उसके बाद मटन है, स्पाइसी वाली है 2400 की है और जो नॉन स्पाइसी है वो 2200 की है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कढ़ाई भी है हाईवे में और बारबेक्यू है हमारे पास, कढ़ाई मटन है, चिकन है, हांडी भी है हमारे पास, पनीर रेशमी है और उसके बाद हमारे पास फिश फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बाकी डेजर्ट भी है हमारे पास, कुनाफा है हमारे पास। अरेंजमेंट क्या हवाले से फैमिली यहाँ पे चैम्बर सिस्टम है, चैम्बर फ्लोर सेटिंग होती है, उसमें फैमिली भी आ सकती है और वो भी है, फैमिली के अलग से वो भी है, पर्दा सिस्टम भी है उधर और जेंट्स भी बैठ सकते हैं। हाँ भी बिलाल, कैसा लगा तुम्हें? यार जबरदस्त, पेट वेट फुल हुआ जो भी जगह है। असल में हम 9-10 लोग आए थे तो उसमें हमने दो मदबी मंदी मंगवाई थी जो चार बंदों का हम सर्व करती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आउट हो गया कि 10 बंदे थे हमारे पास तो बाद में एक लड़का आ गया ना। हाँ, टेस्ट में कैसा लगा? मैं चाहता हूँ कि बंदे आए यहाँ पे विजिट करें, मस्त भाई। 10 out of 10 है भाई, मेरी तरफ से भी 10 out of 10 ही है, लेकिन बस ये है कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। दूसरा ये है कि पेट नहीं भरा था, लेकिन ये है कि हमने दोबारा रिफिल करवा दी, हमने 2-3 बार रिफिल करवाया, उन्होंने रिफिल कर दिया 5 मरतबा। नहीं वो दो जगह तो उनको नहीं गिनो, हम अपनी सालों गिन रहे, तो ये है कि फिर हमारा पेट में जगह बन गई। फिलहाल रेकमेंड करता हूँ आप लोग भी आए, और बहुत फैमिली ओरिएंटेड माहौल है यहाँ का और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है यहाँ की मंदी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन ये है कि आप इंजॉय करेंगे, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत लाजवाब है। तो भाई आए और आप विजिट करें, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।